आखिर किसने दिया था पौल पुत्र हनुमान जी को उनका शक्तिशाली अस्त्र गदा? तो चलिए दोस्तों जानते हैं पूरी बात। जिनको श्री राम का वरदान है, गदाधारी जिनका शान है, बजरंगी जिनकी पहचान है, संकट मोचन वो हनुमान है। जय बजरंगबली। आज की दुनिया में चाहे कितने भी सुपर नेचुरल पावर वाले योद्धा आ जाए, चाहे सुपरमैन हो, बैटमैन हो, स्पाइडरमैन हो, चाहे कोई भी हो, वो हनुमान जी का मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और दोस्तों उनकी तुलना उच्चे मुच्चे सुपर हीरो से करना बिल्कुल भी गलत होगा। हम सब ये जानते हैं कि हनुमान जी यानी पवन पुत्र इतने ज्यादा शक्तिशाली थे कि उनका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वो साक्षात भगवान शिव के रुद्र अवतार थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी का गदा यानी उनका अस्त्र कहाँ से मिला? तो चलिए दोस्तों करते हैं अब ज्ञान की बात। दोस्तों उनके अस्त्र यानी गदा के बारे में जानने से पहले ये जानना अति आवश्यक है कि उन्हें कौन कौन से वरदान प्राप्त हुए थे। हम तो ये जानते ही हैं कि एक बार हनुमान जी को भूख लगी तो उन्होंने सीधा सूर्य भगवान को निगलने का प्रयास किया, जिसके चलते इंद्रदेव ने अपना वज्र उनके ऊपर चला दिया और वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। और वायुदेव यानी जो उनके पिता थे उनसे ये सब देखा नहीं गया, उन्होंने पूरी सृष्टि की वायु खींच ली, जिसके चलते हर जगह त्राही त्राही मच गई। सभी देवताओं के अनुरोध करने पर वायुदेव ने वापस उनकी पवन उनकी वायु तो लौटा दी, लेकिन साथ ही साथ सभी देवताओं ने हनुमान जी को पुनः जीवित भी किया और उन्हें कई वरदान भी दिए। तो चलिए जानते हैं हनुमान जी को कौन कौन सी वरदान प्राप्त हुई थी। दरअसल उनके गुरुदेव यानी सूर्यदेव ने हनुमान जी को अपने तेज का 100वां अंश दिया था। इस वरदान को प्राप्त करने के बाद हनुमान जी के सामने कोई भी टिक नहीं सकता था। उनका तेज ही इतना ज्यादा होता है कि उसे सहन करना बहुत ही मुश्किल होता है। वही यमराज जी धर्मराज यम जिन्होंने भगवान हनुमान को एक वरदान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हनुमान जी को अभी भी यम का शिकार नहीं होना पड़ेगा, मतलब हनुमान जी की मृत्यु अभी भी नहीं हो सकती। भगवान शिव जिनके वो खुद अंश अवतार हैं, उन्होंने हनुमान जी को एक वरदान दिया कि कोई भी अस्त्र शस्त्र कभी भी तुम्हें छू नहीं पाएगा। वही इंद्रदेव जिनके प्रहार से मारुति का नाम हनुमान पड़ा, इंद्रदेव ने हनुमान जी को ये वरदान दिया कि उनके वज्र से हनुमान जी पर भविष्य में कोई भी असर नहीं पड़ पाएगा। इससे हनुमान जी और शक्तिशाली हो गए। वही शिल्पगढ़ी यानी कि उस समय के इंजीनियर कहे जाने वाले विश्वकर्मा ने उन्हें एक खास वरदान दिया। हनुमान जी को वरदान देते हुए उन्होंने कहा, मैंने जितने भी अस्त्र शस्त्र बनाए हैं उनका आप पर कोई भी असर नहीं होगा। वही स्वयं ब्रह्मदेव ने हनुमान जी को दीर्घ आयु का आशीर्वाद दिया और हनुमान जी को अपनी इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण करने का वरदान भी दिया। साथ ही ये भी कहा कि मेरा ब्रह्म अस्त्र तुम्हारा कभी भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और आखिर में वही भगवान कुबेर, आपने सही समझा, भगवान कुबेर ही थे जिन्होंने वरदान दिया था कि वो किसी भी युद्ध में परास्त नहीं हो सकते जब तक उनकी खुद की इच्छा ना हो। साथ ही उन्होंने ये भी वरदान दिया कि कोई भी आभूषण कभी भी उनके मन को भा नहीं पाएगा। और कुबेर महाराज ने उसी समय सोने से बना हुआ गद्दा हनुमान जी को उनके अस्त्र के रूप में दिया। साथ ही दोस्तों ये भी कहा जाता है कि हनुमान जी का गद्दा कोई भी नहीं उठा सकता था सिवाय हनुमान जी की। अगर सुपर हीरो की बात की जाए तो आप मार्वल के एक सुपर हीरो थॉर को जानते ही होंगे, जिसमें कहा जाता है कि उनका हथौड़ा सिर्फ थॉर ही उठा सकता था या फिर जो उस हथौड़े का हकदार हो। लेकिन हनुमान जी का गद्दा कोई भी नहीं उठा सकता था जब तक हनुमान जी की खुद की इच्छा ना हो। इस जानकारी से आप जान गए होंगे कि हनुमान जी का अस्त्र यानी उनका गदा किसने और कब दिया था, जो हमेशा ही उनके साथ रहता है, जिनको गदाधारी हनुमान कहते हैं। दोस्तों ये जानकारी आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसा धार्मिक वीडियो हमेशा मिलता ही रहेगा। धन्यवाद।